नमस्कार, स्वागत है आपका एमएम न्यूज में। मैं हूं आपके साथ वैष्णवी सिंह। चलिए बढ़ते हैं आगे खबरों की ओर। आज दिनांक 8/6/2019 को पूर्व आयोजित कार्यक्रम के तहत पीरपैंती प्रखंड के परिसर में गांधी युवा मंच के द्वारा व्याप्त भ्रष्टाचार विरुद्ध एक दिवसीय धरना का आयोजन किया गया, जिसमें विभिन्न 10 मुद्दों को प्रमुखता से रखी गई, जिसमें पहला प्रखंड कर्मी के समय से कार्यालय न आना, दूसरा पीरपैंती प्रखंड में विद्युत आपूर्ति की चरमर व्यवस्था, तीसरा 7 निश्चय योजना में अनियमितता व विकास के नाम पर लूट की जांच, चौथा CDPO के द्वारा प्रखंड में अनियमितता, पांचवा अंचल अधिकारी द्वारा गलत तरीके से मोटेशन कर आम लोगों को परेशान करना, छठा भू विस्थापित व कटाव पीड़ित को भूमि देकर स्थापित करना, सातवां गलत तरीके से किए गए ODF की जाँच, आठवां मध्यान्ह भोजन में सुधार करना, नवा शौचालय व आवास की राशि बिना घूस लिए लाभुक तक पहुंचाना, दसवां समय समय पर पदाधिकारी व प्रतिनिधियों का बैठक कर जन समस्याओं का समाधान देना व लोकतंत्र को स्थापित करना। यह विभिन्न मुद्दों को प्रमुखता से रखी गई। वहीं प्रखंड विकास पदाधिकारी के द्वारा गांधी युवा मंच को तत्काल कार्रवाई कर उपरोक्त सारी समस्याओं से निजात देने का आश्वासन दिया गया। इस कार्यक्रम में गांधी युवा मंच के राष्ट्रीय अध्यक्ष मनोज यादव, अधिवक्ता प्रदेश अध्यक्ष विनोद यादव, फौजी जिला अध्यक्ष रोशन सिंह, राष्ट्रीय सचिव अजय चौधरी, राष्ट्रीय महामंत्री दारू यादव, प्रदेश उपाध्यक्ष वरुण गोस्वामी, सरपंच संघ के अध्यक्ष जिला उपाध्यक्ष शशिकेश पांडे, जिला मंत्री मनोज कुमार, जिला प्रवक्ता मुकेश गोस्वामी, जिला मंत्री परशुराम शर्मा, प्रखंड महामंत्री नारायण साह, विनय तिवारी, दिनेश यादव के अलावे सैकड़ों गांधी युवा मंच के कार्यकर्ताओं ने बढ़ चढ़ कर भाग लिया और इस धरना को सफल बनाया। वहीं मंच के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री यादव ने कहा कि अगर उपरोक्त मुद्दों पर तत्काल कार्रवाई नहीं हुई तो गांधी युवा मंच चरणबद्ध आंदोलन करेगी, जन आंदोलन करेगी। भागलपुर से बिट्टू कुमार की रिपोर्ट। मैं पीरपैंती प्रखंड अंतर्गत पीरपैंती बाजार का निवासी हूँ। इस प्रखंड में यह कर्म में जब से हम संभाला हूँ तब से देख रहा हूँ। मैं इस संबंध में अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय मनोज बाबू का हार्दिक अभिनंदन करूंगा कि उन्होंने कम से कम इसका संकल्प लिया है कि मैं भ्रष्टाचार को मिटा के ही दम लूंगा, चाहे मुझे फांसी पर क्यों नहीं झूलना पड़े। इसलिए इस प्रखंड का नाम तो गलत से पीरपैंती प्रखंड कार्यालय, पीरपैंती भ्रष्टाचार कार्यालय होना चाहिए। इसलिए कि CEO रिश्वत 20,000 मांगता है और BDO साहब जब चैंबर AC में बैठते हैं। कहलगांव SSB कॉलेज के अनुसूचित जाति के छात्रावास के लिए लगाए गए सभी चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों को 15 माह से वेतन नहीं मिला है, जिसके कारण कर्मचारी 4/6/2019 से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर बैठे हुए हैं, लेकिन अभी तक कोई भी उच्च अधिकारी सूद लेने तक नहीं आए हैं। वहां के कर्मचारी लुकेश मंडल, सुनील डोम, त्रिलोचन दास, अनिल कृष्ण कुमार, सुबोध दास ने कहा कि हम लोगों को जिला कल्याण पदाधिकारी के माध्यम से वेतन दिया जाता था, लेकिन जब से NGO के हाथों यह जिम्मेदारी दी गई है तब से वेतन नहीं मिला है, जिससे आर्थिक स्थिति बहुत खराब हो गई है। बाल बच्चे खाने के लिए तरस रहे हैं। भागलपुर से बिट्टू कुमार की रिपोर्ट। नाम क्या आपका? त्रिलोकानंद दास। यहाँ कब से ड्यूटी कर रहे हैं? यहाँ से 2016 में 1/9/2016 से कर रहे हैं। हड़ताल पे क्यों बैठे हैं? हड़ताल पे बैठे इसलिए 15 महीना से वेतन नहीं मिला है। आपका क्या प्रश्न है कि जब तक हड़ताल नहीं छूटेगा हम तो निश्चित हड़ताल पर बैठे हैं, जब तक पैसा मिलेगा नहीं छोड़िएगा? नहीं छोड़ेंगे। और हमको जो है जिला कल्याण पदाधिकारी जो है हमको जो है मन कि 15 महीना से दौड़ा दौड़ा करके हमको जो है वहाँ पर जो है परेशान कर दिया है, और वहाँ के पदाधिकारी कहते हैं अलॉटमेंट नहीं आया, अलॉटमेंट नहीं आया तो हम लोग जिएंगे कैसे, हम लोग भूखे तड़प रहे हैं। अदानी स्किल डेवलपमेंट सेंटर को SOCHM इंडिया की तरफ से महिला सशक्तिकरण के क्षेत्र में बेहतरीन काम के लिए पुरस्कृत किया गया है। राजधानी रांची में आयोजित SOCHM स्किल इंग इंडिया समिट के दौरान पुरस्कार झारखंड शहरी विकास मंत्री CP सिंह के हाथों प्रदान किया गया। SOCHM स्किल इंग इंडिया समिट में बोलते हुए शहरी विकास मंत्री CP सिंह ने कहा कि सिर्फ स्किल देने से काम नहीं चलेगा, असल चैलेंज उन्हें आजीविका प्रदान करने का है। समिट में बोलते हुए झारखंड सरकार ने खाद्य मंत्री सरयू राय ने भी महिला सशक्तिकरण पर जोर देते हुए स्किल इंडिया कार्यक्रम के क्रियान्वयन पर ध्यान आकर्षित किया। SOCHM स्किल इंग इंडिया समिट में अदानी स्किल डेवलपमेंट की ओर से ट्रेनर मीरा माधव ने पुरस्कार ग्रहण किया।
समिट में अडानी स्किल सेंटर हेड जतिन त्रिवेदी ने बताया कि स्किल डेवलपमेंट के जरिए गोड्डा में महिला आज आत्मनिर्भर हो रही है। गोड्डा में अडानी स्किल डेवलपमेंट सेंटर ने 1300 से अधिक महिलाओं को सिलाई की ट्रेनिंग देकर न सिर्फ हुनर देने का काम किया है बल्कि जिला प्रशासन की मदद से एक विशाल गारमेंट प्रोडक्शन हब बनाकर उन्हें आजीविका हासिल करने में भरपूर मदद की है। इस मौके पर अडानी फाउंडेशन गोड्डा के हेड सुबोध सिंह, कॉरपोरेशन अफेयर्स हेड अमृतांशु प्रसाद